नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो हम सबने सिर्फ फिल्मों और किताबों में देखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैरी पॉटर के अदृश्यता चोगे की, जो अब वास्तविकता बनता जा रहा है। हालांकि नैनो टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के सम्मिलित इस टेक्नोलॉजी से बहुत दिन से काम चल रही है, लेकिन हाल ही में चीन के साइंटिस्ट छू जूहो को बहुत ही जोरदार सक्सेस मिला है। आज इस वीडियो में हम इसी टेक्नोलॉजी को आम तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो इस बात को समझते हैं कि कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है। क्योंकि प्रकाश उस वस्तु से टकरा के हमारे आंखों पर आती है, और समझने के बाद यह है कि प्रकाश एक सीधी रेखा से चलती है, इसलिए हमारे ब्रेन समझ पाती है कि वो वस्तु कहाँ पर है। अब इस बात को समझो कि कोई वस्तु अदृश्यों कैसे हो सकता है। यह तब पॉसिबल है जब हम उस वस्तु को छोड़कर उसके पीछे की और कोई वस्तु को देख पाए। यह तब होगी जब पीछे की वस्तु से रोशनी सामने वाले वस्तु के अंदर से पास करके हमारे आंखों में आए। अब यही पे आती है नैनो टेक्नोलॉजी के कमाल। जो पदार्थ से इनविजिबिलिटी क्लॉक बनता है उससे मेटामटेरियल कहते हैं। ये पदार्थ छोटे छोटे पुनरावृत्त संरचनाओं से बने होते हैं, जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से भी छोटे होते हैं। ये संरचनाएं प्रकाश के साथ ऐसे तरीके से संपर्क करती हैं, जैसे सामान्य पदार्थ नहीं कर सकते। ये मेटामटेरियल्स प्रकाश को किसी वस्तु के चारों ओर इस तरह मोड़ते हैं, जैसे पानी एक चट्टान के चारों ओर बहता है। इस प्रकार प्रकाश उस वस्तु से टकराता नहीं है, जिससे वह वस्तु देखने वाले के लिए अदृश्य हो जाती है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि सामने वाले वस्तु है ही नहीं, बल्कि पीछे की वस्तु से प्रकाश सीधे उसके आंखों पर आ रही हो। यहाँ अजीब बात यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता और वस्तु से टकरा कर परावर्तित नहीं होता, बल्कि यह वस्तु के चारों ओर ऐसे घूमता है जैसे पानी की धारा पत्थर के चारों ओर बहती है। यह मुख्य रूप से दो घटनाओं के कारण होता है। उनमें से एक नेगेटिव रिफ्रैक्शन है और दूसरी है क्लोकिंग। इन दोनों घटनाओं का घटित होना केवल मेटामटेरियल्स के अंदर ही संभव है। अब इन दोनों घटनाओं की मूल बातों को समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश की दिशा बदल जाती है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। उदाहरण के लिए, जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है, यहाँ प्रकाश पानी की सतह से अपनी दिशा बदल लेता है। यहाँ परिवर्तन का कोण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की विशेषता पर निर्भर करता है। लेकिन मेटामटेरियल के मामले में यह घटना पूरी तरह से विपरीत दिशा में होती है। यहाँ जब प्रकाश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाता है, तो यह नॉर्मल रिफ्रैक्शन की तुलना में विपरीत दिशा में मोड़ जाता है। यह एक तरीका है जिससे प्रकाश का मोड़ होता है। और दूसरी घटना में, मतलब क्लोकिंग में, मेटामटेरियल्स का उपयोग करके प्रकाश को किसी वस्तु के चारों ओर मार्गदर्शित करवाया जाता है, जिससे प्रकाश उस वस्तु से टकराता नहीं है। मेटामटेरियल की संरचना प्रकाश को वस्तु के चारों ओर मोड़ती है और इसे दूसरी तरफ इस तरह उभरने देती है जैसे यह सीधी रेखा में यात्रा कर रहा हो। वस्तु देखने वाले के लिए अदृश्य हो जाती है क्योंकि प्रकाश बिना किसी रुकावट के प्रतीत होता है, जिससे ऐसा लगता है कि वस्तु वहाँ नहीं है। इस तकनीक से चीन को रक्षा और युद्ध में बड़ा फायदा हो सकता है। चीनी लड़ाकू विमान दूसरों के लिए अदृश्य हो सकते हैं और साथ ही लड़ाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा यह तकनीक चिकित्सा, राजनीति और सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, यह थी अदृश्यता चोगे की तकनीक पर हमारी जानकारी। यह तकनीक हमें एक बार फिर यह याद दिलाती है कि विज्ञान में कल्पना और वास्तविकता के बीच की दूरी कम होती जा रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।